हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे चिक्स का 12वां दिन। जी हाँ, चिक्स हमारा बिल्कुल ओके है। अभी मैं देख रहा हूँ मॉडलिटी वगैरह कितनी हुई है, तो अभी तक एक ही मिली मुझे। बाकी बर्ड हमारा बिल्कुल ओके है और मेडिसिन अभी कोई चल नहीं रही। पता क्या होता है, कोशिश ये कीजिए कि जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक मेडिसिन ना चलाइए। जैसे कई लोग ग्रोथ प्रमोटर चलाते हैं गर्मियों में, मैं कहता हूँ कि मत चलाएं। बाकी आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ मत चलाएं। वो इसलिए क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर से ओवर ग्रोथ हो जाएगी, उससे वो मेडल्टी हो जाएगी। तो मुझे तो पता है, मैंने ये सीन देखे हुए हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ गर्मियों में कोशिश ये कीजिए कि नॉर्मल तरीके से बच्चा पले और मेडिसिन ना दी जाए, खासकर एंटीबायोटिक ना दी जाए। अगर आपको ग्रोथ प्रमोटर देना ही है तो रात के पानी में देना, वो भी जब बच्चा छोटा हो तब। अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, 25 दिन से ऊपर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ग्रोथ प्रमोटर ना देना। ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे को उल्टा मेडल्टी करवा के बैठ जाओ। जी, खासकर जीप्रोमिन जैसी जो ग्रोथ प्रमोटर है वैसा मत देना गर्मियों में। और लीवर की प्रॉब्लम जब आती है तब देना लीवर, नहीं तो मत देना लीवर। अगर लीवर देना ही है तो सुबह के पानी में या रात के पानी में। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप रात के पानी में 7-8 बजे के बाद देना, जिससे बच्चा 3-4 घंटे के पानी में सिर्फ। अगर ग्रोथ प्रमोटर देना ही है तो तब भी उसे रात को देना, वो भी 3-4 घंटे के पानी में। जी, अगर किसी के साउंड आ रहा है तो रेस्पोरिन देना आप, वो सही रहेगी। ठीक है, 1 ml 1 लीटर के हिसाब से देना रेस्पोरिन, तो वो सही रहेगा। उसके बाद आप, क्योंकि साउंड की दिक्कत आएगी, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अब आप क्या करें, जब आपका बर्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 घंटे का कट लगाना शुरू कर दें। ठीक है, 2 घंटे का कट लगाना शुरू कर दें, जिससे कि ओवर ग्रोथ नहीं होगा और आपका बच्चा नहीं मरेगा। जी, क्योंकि तो गर्मी काफ़ी है और फीड आपको पता गर्म होती है, तो स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से बच्चा मर जाता है। इसकी वजह से आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटे का कट लगाएं जब बच्चा छोटा हो, 15 से 20 दिन में 2 घंटे का। और जैसे ही बच्चा आपका 25 दिन से प्लस हो जाए, 28 दिन से प्लस हो जाए, तो उसे कम से कम 5-6 घंटे का कट लगाना, 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक फीड नहीं देनी गर्मियों में, जो अब चल रहा है, अब जो चलेगा मौसम। ठीक है, इस तरीके से आपको संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, मॉर्टेलिटी हो जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। तो क्योंकि गर्मियों में बच्चा वैसे भी फीड कम खाता है, तो अगर आप उसे दोपहर को फीड दोगे तो फीड होती है गर्म, उससे फिर और ज़्यादा उसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो फिर वो खाकर मरेगा दोपहर को। तो कोशिश ये करना आप, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो 20-25 से प्लस एज है उसकी, तो आप उसे डेली कम से कम लस्सी देना, दूध टंकी में डाल देना। ठीक है, उस तरीके से फीड में मिक्स करके दही देना, अगर वजन बढ़ाना है तो। ये देसी उपाय हैं। इससे दही से क्या होता है, लीवर से अच्छा गर्मियों में दही है, ग्रोथ प्रमोटर से अच्छा लीवर में दही है। दही क्या करेगा, दही आपका ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा और लीवर का काम करेगा। दही से इनकी पाचन क्रिया बढ़ेगी
और जो भी ये खाएंगे उससे इनको पच जाएगा जी। और लस्सी जो होती है, जो पान दूध होता है, दूध में अगर टंकी में डालें तो लस्सी बन जाएगी, तो उस तरीके से क्या, उससे क्या होगा, दूध से क्या होगा, इनको जो गर्मी लगती है, हीट स्ट्रोक होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जी। तो गर्मियों में ऐसे उपाय करना, एलोवेरा का जूस जो होता है वो लेना, बाकी कंपनी का महंगा लेकिन पतंजलि का सस्ता है तो वो लेना, और इस तरीके से आप देसी जुगाड़ से बच्चे को पालना, ठीक है। बाकी जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे देसी जुगाड़ से बच्चे को पालेंगे हम, दही से, दूध से, तो एलोवेरा जूस से, इमली के पानी से, फटकरी से, ये सब चीज़ें हैं जो जिससे बच्चा हम पालेंगे, ठीक है जी। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो बाकी आपका अगर कोई सुझाव हो, कमेंट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई भी चीज़ आपने जाननी हो किसी के बारे में, फार्म के बारे में, चिक के बारे में, कुछ भी, किसी भी तरह के टॉपिक हो पोल्ट्री के रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं और मैं उस तरीके से आपको वीडियो बनाऊँगा या आपके कमेंट में ही आपको जवाब दे दूँगा जी। और व्हाट्सएप में भी आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं लेकिन मैं कई बार कॉल उठा नहीं पाता, तो बुरा मत मानिएगा कि मैं कॉल क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ आपके सामने ही, देख लीजिए, तो मुझे कई बार मुश्किल हो जाती है। अभी फीड डालने वाली है, देखिए फीड ख़त्म हो गई, उसके बाद बर्तन धोने हैं मैंने, फिर पंजी लगानी है, 5-6 घंटे मेरे एसी में चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं खाना खाता हूँ, घर जाकर रेस्ट करता हूँ थोड़ी सी, और फिर मैं उसके बाद वापस आता हूँ, रात हो जाती है, तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए थोड़ा सा ना कॉल उठाना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबकी कॉल उठाऊँ और सबका रिप्लाई करूँ जी। तो मेरे पास बंदा भी कोई नहीं है काम करने के लिए, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ ना, इसलिए ये बात है। तो बाकी हमारा दूसरा जो फार्म है, इसी फार्म, उसकी भी सफाई अब चलेगी कल से, कल की हमने रूढ़ी वगैरह जो होती है ना, मेल लीटर, वो उठवा दी है हमने, तो 8-9 सैकड़े रूढ़ी बनी हमारी, तो उसको हमने बेच दिया, तो अब हम उसकी सफाई करेंगे अच्छे तरीके से, तो हो सकता है मे बी 2-3-4 तारीख तक चिक्स आए वहाँ पर भी, तो ठीक है, बाकी सब ओके है। तो बाकी कोई भी सुझाव हो आप, कुछ भी है बात करने के लिए, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट वगैरह मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज मैं हमेशा ही स्क्रीन में रखता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में आपके लगातार चलेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद करते हैं इस वीडियो के लिए जो आप देखते हो, धन्यवाद।